हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ संजीव एंड यू आर वाचिंग संजू मॉड्स। तो यार, कैसे हैं आप सब लोग? तो यार, बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो जो है वो पल्सर 220 और पल्सर 180 के ऊपर होने वाली है, जिसमें कि हम देखेंगे कि पल्सर 180 या 220 में USD4 कैसे लगाया जा सकता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लगाने में और क्या क्या चाहिए हमें, क्या क्या कस्टमाइजेशन हमें करनी पड़ेगी। 220 और 180 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों का बिल्कुल सेम ही है, बस उसमें फेयरिंग और उसमें फेयरिंग नहीं है, वरना सॉकर टी और सब टायर बाकी सबका साइज़ बिल्कुल सेम ही है। तो दोनों के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कुछ भी एक स्क्रू का भी फ़र्क नहीं है दोनों में, दोनों के दोनों सेम टू सेम है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं मतलब पल्सर 220 में या पल्सर 180 बोल दें, देखेंगे कि USD4 कैसे लगा सकते हैं। तो इस वाली मतलब ये जो बाइक है हमारी पल्सर, इस पे जो है मैं 3-4 वीडियो बनाऊंगा। मतलब ये पहला पार्ट समझ लीजिए, पहले पार्ट में हम USD लगा देंगे, दूसरे में डबल डिस्क लगाएंगे, तीसरे वाले में पीछे KTM का जो है टायर और स्विंगम इंस्टॉल करेंगे, चौथे में मोनो सॉकर लगाएंगे और वो क्यूबिकल वाला जो एयर फिल्टर होता है K&N वाला, वो वाला फ़िल्टर लगाएंगे। तो ऐसे करके 3-4 वीडियो में, और एक और हाँ उसमें क्या बोलते हैं, फुल फेयरिंग भी लगाएंगे, जो नीचे फेयरिंग R15 वाली साइड में जो लग जाती है, वो वाली फेयरिंग भी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर बात कर रहे थे सामान की कि इंस्टॉल करने के लिए हमें सामान क्या क्या चाहिए, आप सब देख सकते हो मैंने पूरा कंप्लीट करके रखा है। एक अलॉय व्हील पूरा एक कंप्लीट है, इसमें बैरिंग डले हुए हैं अंदर, अब देख सकते हैं पूरा अंदर से कंप्लीट है बैरिंग, कंप्लीट एक्सल दोनों स्पेसर और पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सल। एक हमें डिस्क ब्रेक का वो पंप चाहिए ऊपर वाला विद लीवर, ये हमारा वो है क्या बोलते हैं इसको डिस्क कैलिपर, इसमें अभी डिस्क पैड नहीं लगे हुए, डिस्क पैड लगा के पूरा कंप्लीट और डिस्क की पाइप, उसके बाद में डिस्क प्लेट। और बात कर लेते हैं दोनों सॉकर लेफ्ट एंड राइट दोनों वाले और सॉकर टी, ये सामान हमें चाहिए होगा इसके लिए। और बात कर लेते हैं टी की,
ये अपनी टी है KTM की और ये अपनी पल्सर की है, ठीक है। पल्सर 180 220 150, तो 150 भी थोड़ी अलग है, लेकिन 180 और 220 की दोनों सेम है। तो हमको टी में कुछ भी कस्टमाइजेशन, कुछ भी अल्टरेशन नहीं करनी है, डायरेक्टली फिट हो जाएगी। दोनों की लेंथ जो है वो बिल्कुल सेम है, ये देख सकते हो, और दोनों की जो बोल्ट है ये वो भी सेम है। ये पल्सर का ऊपर वाला बोल्ट है, आपने देखा वो जो ऊपर लगता है कि आसानी से इसमें लग जाएगा पूरा। और ये अपर टी के जो नीचे लगता है, जो इसको रॉड को, ये जो अल्जे रॉड होती है इसको टाइट करता है टी रॉड, ये भी इसमें आसानी से सेट हो जाए, ये देखो, ठीक है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्लग एंड प्ले हो जाएगा। चलो तो इसको अब हम जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। देख सकते हैं आप ये अच्छी तरह फिट हो गया, बिना किसी कस्टमाइजेशन, बिना किसी सेंट्रेशन, कैसे डायरेक्टली फिट हो जाएगा। पर देखें ये परफेक्टली फिट होगी यहाँ से भी और यहाँ से भी, अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से मूव कर रही है, और इसमें कोई मतलब ढीली भी नहीं है, ताकि चिक जो होती है वो आए। ये देखिए प्रॉपर तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे ये वाला हैंडल। ये देख सकते हैं आप KTM ड्यूक का हैंडल है, कंप्लीट है पूरा का पूरा, मैंने पहले से कंप्लीट करके रखा हुआ है ये। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे इसमें। तो यार ये थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो डबल डिस्क के ऊपर होगी, कि डबल डिस्क कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।